myself Legend Gyade. I'm also one of aspiring candidate for President Ansu, and very luckily today I got selected by the unanimously selected by this seniors of APEXU. तो मैं आगे ये अपील करना चाहता हूँ कि आज मुझे अपने एरिया के सभी सीनियर से मुझे ऑफिशियली यूनिवर्सली दिया गया, तो मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि बाकी जो 7 डिस्ट्रिक्ट के जितने भी बोनाफाइड वोटर्स है, वेल विशर्स है, जितने भी सीनियर्स है, और जो भाई बहन जो कॉलेज में जिसका बोनाफाइड वोटर्स है, जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं, यूनिवर्सिटी में है, नेरिस में है, जितना भी आरजू एफिलेटेड कॉलेज का जितना भी वोटर्स राइट है, जिसका राइट वोटर्स है, मैं उस सभी से अपील करना चाहता हूँ एक बार मुझे मौका दें, क्योंकि मैं पिछले बहुत सालों से इस घड़ी के इंतज़ार में था, और हमारे यहाँ फिलहाल 18 BSU है और 2-4 BSU क्रिएशन करने का अभी या पोजीशन में है, तो सभी BSU के प्रेसिडेंट जनरल सेक्रेटरी से भी ये अपील करना चाहता हूँ कि इस बार एक नया अंशु को देखना है, एक बार नया अंशु को बनाना है। आप अगर एक रेनेंस और रिफॉर्मेशन अगर चाहता है एक सोसाइटी में, एक निसी कम्युनिटी में, तो हम अपील करता है कि मुझे भी एक मौका दें, क्योंकि बहुत साल से मैं भी इस मुकाम के लिए रुक रहा हूँ। थैंक यू सर। आप लोग जो फेसबुक में, सोशल मीडिया में ऐसा रिसेंटली वायरल हो रहा है कि आज का प्रोग्राम में जो अटेंड करेगा 9th का जो उसको एंटी एपिक्स डिक्लेयर करेगा बोल रहे, इस विषय में आप क्या कहना है? ये तो क्लियर कट बात है कि आपका उल्टे चोर कोटवाल को दांते, हम उनका गलत करने पर यहाँ सीनियर वन साइडेड होके 99.9% सीनियर इधर बैठा हुआ है, मैं सीनियर के तरह से ये आपका ये ऑफिशियल ले रहा हूँ, तो मुझे कौन ये थी? मैं चाहिए था जो का हूँ, मैं APEXU का हूँ, ये सब APEXU का है। हम यहाँ किसी कोई दूसरा जर्नल का आदमी को ऑफिशियल नहीं बना रहा है, हम यहाँ दूसरा जर्नल का प्रोग्राम में नहीं घूम रहा, तो एंटी किस बात का देगा? एंटी तो हम लोग तो देता है एंटी, प्रेसिडेंट और GS जो स्तंभ बुकता जरूर होगा, मगर कोई भी कानून, कोई भी सिस्टम जो दो आदमी से नहीं चलता है। इंडिया एक डेमोक्रेसी कंट्री, यहाँ मेजोरिटी से चलता है, एंड यू कैन विटनेस द मेजोरिटी, वो या मेजोरिटी, वी हैव द मेजोरिटी। तो सर आपका विजन को थोड़ा सा स्टूडेंट को, थोड़ा सा व्यूअर्स को बता दीजिएगा, आपका क्या विजन से आप आंसू प्रेसिडेंट हो रहा है? एक क्लियर परसेप्शन है, आंसू एंड APEXU हैव डिफरेंट विजन। APEXU एक इंटरेस्ट ग्रुप है, आंसू एक इंटरेस्ट ग्रुप है। इंटरेस्ट वाट एवर ANSU शुड डू, इट्स फॉर बेनिफिट एंड बेटरमेंट ऑफ द निशी कम्युनिटी। हम ये नहीं बोल रहे कि दूसरा ट्राइब का हम ये झगड़ा करेगा, ये नहीं बोल रहे हैं, कॉमनल हारमोनी सब में है। हम पॉजिटिव वे में बोल रहे हैं कि हमारा सोच, हमारा विचार, हमारा खून का एक कतरा हमारा समाज निशी के लिए, निशी सोसाइटी समाज के लिए सोचना है। तो हम खुद को सबसे पहले हम ANSU में आने के लिए हम बोलना है कि हम निशी के लिए क्या कर सकते हैं, निशी समाज के लिए क्या कर सकते हैं, ये है। तो कल को ANSU प्रेसिडेंट हमको भैया लोग का सीनियर का सपोर्ट से, अगर भगवान का कृपा से अगर हम इलेक्टेड होता है, तब आप देखने मिले ये पुराना ANSU नहीं रहेगा, ये अभी पुराना जो ANSU जो लाचार वाला बेबस वाला ANSU नहीं रहेगा। हमारे पास अभी बहुत सारा हथियार है, हमारा हथियार जो हमारा सीनियर है, हमारा सीनियर में आया बैठा हुआ है, हमारा सीनियर में हमारा अम्ब्रेला है NES बैठा हुआ है, इसलिए हम लोग फील करते हैं कि वो लोग का गाइडेंस से अच्छा से हम लोग ये आने वाला ANSU जो बढ़िया से काम कर पाएंगे। थैंक यू। तो सर आपका ये जो एंटी वाला जो वोट बोला उसको हम थोड़ा सा लास्ट स्टूडेंट फ्रेंड्स को आप क्या मैसेज देना चाहेगा, जितना भी निसी कम्युनिटी के स्टूडेंट है उन सभी को आप क्या मैसेज देना चाहेगा, और साथ ही साथ आपका जो कंटेंडर है उसको एलटी कंपटीशन के लिए आपका तरफ से क्या वर्ड्स कहना चाहेगा एज ए लीजेंड ग्यादी? हम जितना भी स्टूडेंट फ्रेटर्निटी को ये अपील करेगा कि इफ यू सी ए कैलिबर इन मी, इफ यू फील दैट आई हैव द पोटेंशियल, आई हैव द कैलिबर टू लीड एंड टू रन द ANSU, I believe that every single vote who come to cast in this election shall be intellectual, and most of students will be from this DN College and Rajiv Gandhi University, and I believe that they won't make any mistake, they will choose a not perfect but they will choose a good leader, and I believe that I saw him caliber, not the perfect one, not the best one, but still I can compete and still I can do something. Thank you. और आपका जो कंटेंडर को आप कुछ हेल्थी कंपटीशन करेगा तो आप कहना चाहेगा आपका तरफ से कुछ वर्ड? दे ऑल आर आल्सो यू नो देयर सेस अपना अंगूठा सभी को प्यारा, दे मेड बी थिंकिंग दैट दे आर द बेस्ट एज आई डू, तो आई वुड से जस्ट गुड लक टू देम।
जिनको आप सेट से प्रेसिडेंट जो ब्रीफिंग दिया था स्टेटमेंट में ये बोल रहा था कि आप जैसे कि बोला है आपके पास सीनियर है ना, तो वो लोग का ये कहना था कि एफसेक्सू का बायलो में ऐसे कहीं लिखा ही नहीं था सीनियर विल सेंड आ ऑफिशियल या तो फिर एनी थिंग उसके ऊपर आप देयर इज नॉट एफसेक्सू देयर इज कॉल्ड एपेक्सू। एपेक्सू कोई भी कानून बनता है, कोई भी नॉर्म्स बनता है, वो हिस्ट्री को लेके बनता है। हिस्ट्री गवाह बोलता है ना, इतिहास गवाह है। तो इतिहास में आज तक ऐसा कुछ ऐसा हुआ नहीं जो लोग वो आज ये टेन्योर जो कर रहा है, इतिहास में ऐसा कुछ कभी कुछ नहीं हुआ जो आज ये कर रहा है। तो इतिहास में ऐसा भी करना चाहिए जो कभी पहले हुआ नहीं। यही जवाब है रंजन जी। मेरा एक सवाल रहेगा, आपने थोड़ी देर पहले आपने अपने भाषण में कहा था कि आपका जो बचपन से एक सपना था कि आपको एक बार मंसूर में ऐसे प्रेसिडेंट वो करना है, तो आप अगर जीत जाते हैं तो किस क्षेत्र में आप काम करेंगे? ये तो सिंपल सा बात है। देखो स्टेट लाइक अरुणाचल प्रदेश देयर वेयर इज नो एनी पॉलिटिकल अपोजिशन, द स्टूडेंट कम्युनिटी हैज़ टू बैलेंस द सिस्टम। तो यहाँ कोई गलत परसेप्शन रहेगा, अनसू परसेंट उनका पावर यूज़ करेगा, गवर्नमेंट को हिलाएगा, ये गवर्नमेंट से हमको कोई लेना देना नहीं होगा। जब तक गवर्नमेंट सही दिशा में है, हम हमारे एजुकेशन सिस्टम को ठीक करने बात करेगा, हम हमारे कम्युनिटी के सिस्टम को ठीक करने बात करेगा। अगर कोई भी गवर्नमेंट से अगर कोई कुछ सिकवा गिला है, वो लीगली भी मैं रिप्रेजेंटेशन के साथ में जाएगा तो क्लियरली बात है। गवर्नमेंट मेरा माँ बाप है, माँ बाप को आप सीधा सही ढंग से मांगेगा तो श्योर मिलेगा कोई भी चीज़। माँ बाप को चाकू लेके मांगने से तो माँ बाप भी नहीं देगा। इसलिए मेरा सीधा सा सवाल है, सिस्टम को सिस्टमेटिक से ही चलेगा। और यहाँ हम कोई नया परिंदा नहीं है कि हम अंशु में आके ये ऐसा होगा कि सिस्टम को सब कुछ बदल जाएगा। जैसे चलते आया ऐसे ही चलेगा, मगर तरीका थोड़ा अलग होगा। वो ये ओल्ड मीडिया फैसिलिटी ऑफ अरुणाचल प्रदेश एंड व्यूअर ऑफ ओल्ड चैनल, रिगार्डिंग द मैंने एंटी जो रिसेंटली वायरल हो रहा है, हम ऐसे सीनियर स्टूडेंट्स फ्रॉम ओल पीपू चैंग जो ग्यावे पुरंग सवा स्टूडेंट यूनियन, मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। एंटी वोट का तो ऐसे तो वो नहीं है, एक्जैक्टली वो नहीं है, लेकिन जहाँ तक वो का बात है, जो वायरल वाला जो आप लोग जो सवाल कर रहा है एंटी देगा जो आज का वो को वो करेगा, एक्चुअली बोलने जाने में डेमोक्रेसी में कौन वो करता है? जो 19 में बोलो वो किया था, हम लोग वो रिप्रेजेंटेशन दिया है, रिवोकेशन करो, रेक्टिफाई करो, लेट डिबेट एंड डिस्कस। लेकिन हमारा जो अपेक्ष जो चला रहा है अभी प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी का तो कोई रिस्पॉन्स नहीं है, इतना अधामान्य है। तो हम लोग आज ये जितना भी हमारा जो 9 चंग जो है, 9 चंग जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी जो ओल्ड पीपू चंग जो ग्यावे पुरंगसावा स्टूडेंट, सीनियर 99% है, जीनियर 99% है, जितना स्टूडेंट में हमारा जो फॉर्मर है हमारा यहाँ में है, तो कौन से बेसिस में हम लोग को एंटी देगा? अगर एंटी का बात करता है बोलने से, जो आदमी एंटी काम करता है उसको हम ऑफिशियल देता है। ऑफिशियल जब एक निजी समाज में हम जब फाइट करने जा रहा है, निजी समाज को हम जब सर्व करने जा रहा है, एक 7 डिस्ट्रिक्ट में हम जब वो करने जा रहा है, तो हमारा एरिया में प्राउड बात है कि वी हैव 7 कंटेंडर। तो उसको आप नेगोशिएट मीडिएट नहीं करके, कन्विंस नहीं करके, आप ऐसे डिक्टेटर तक वो करने से कैसे होगा? आप भी तो आज जो चेयर में है बिकॉज ऑफ आस, हम लोग का मैंडेट से तो है ना। तो ये एंटी वो कुछ नहीं होगा, जितना देना है बोलने से, अगर आप जीएस और प्रेसिडेंट जो एपिक्स जितना यहाँ में आज पार्टिसिपेशन है, अगर उसको एंटी दिया है बोलने से एपिक्स ही खत्म हो जाएगा। इसलिए मेरा तरफ से रिक्वेस्ट है, ऐसे सीनियर हम सब का तरफ से रिक्वेस्ट है, इतना तक हम लोग को कॉन्फिडेंस है, आप लोग को मिस गाइड किया गया है, आप लोग को बहलाया गया है, धमकाया गया है, कहीं ना कहीं संबोधी और सम को अपना एक गर्ज, पर्सनल गर्ज, अपना इंडिविजुअल वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए आप लोग को कहीं ना कहीं मिस गाइड किया होगा, मिसलीड किया होगा, मिस एडवाइस दिया होगा। तो इसलिए आप लोग से मैं अभी भी रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप लोग फील करता है सच में प्रोसीजर में या सिस्टम में कहीं आप लोग को लेप्स हो गया बोलने से, अभी भी हमारा दरवाज़ा खुला हुआ है। वी ओल्ड मैक्सिमम 99% ऑफ द एरिया स्टूडेंट्स कम्युनिटी अभी भी रेडी है हमारे जो एपेक्सिव टीम को, और आपका जो जिसने आपको गलत वे से जो ऑफिशियल दिया अनकॉन्स्टिट्यूशनली माने सेल्फ स्टाइल जो जिसको आपने 19 जुलाई एक्सयू ऑफिस में जो दिया, उसको भी हम लोग अभी भी बात करने के लिए रेडी है, वेलकम है, अच्छा चीज़ पॉजिटिव के लिए, फॉर द इंटीग्रिटी, फॉर द वेलफेयर, फॉर द बेटरमेंट ऑफ द एपेक्सयू अभी भी हम लोग वेलकम है। ऐसे नहीं है कि मैंने इतना तक हम लोग बिलीव, कहीं गलती हो गया होगा, कहीं आप लोग में थोड़ा सा डिसीजन लेने में मैंने कहीं ना कहीं लैप्स हो गया होगा, अभी भी आप रेक्टिफाई करता है, करेक्शन करना चाहता है, तो हमारा दरवाज़ा 24 आवर्स खुला हुआ है, वेलकम करता है, क्यों हम लोग एपेक्सयू को तगड़ा नहीं बनाएगा।
अपेक्ष का बेहतर यूनिटी इंटीग्रिटी की बात करता है बोलने से, हम लोग 24 आवर्स लास्ट डेट तक हम लोग रेडी है, एकदम पॉजिटिव वे में रेडी है। आइए बतक गया वो हो गया बोलने से जस्ट कुछ नहीं, हम लोग करेक्शन करने के लिए वो रेडी है। थैंक यू वेरी मच। वेरी प्रिविलेज, आप लोग का दिस इज नॉट जस्ट अ सुप्रीम सैक्रिफाइस, दिस इज योर ग्रैंड सैल्यूट, ग्रैंड रिस्पेक्ट टू द दिस प्लेटफॉर्म फॉर अफेक्शन। ये आपका सैक्रिफाइस नॉट ओनली इन द सेक ऑफ लेजेंड, नॉट ओनली फॉर योर ब्रदर बट फॉर द ग्रेटर इंटरेस्ट ऑफ एंड फॉर द बेटरमेंट एंड फॉर द unity and integrity of this affection. You kept the respect of affection. You have maintained the dignity of affection. ये affection जो ऐसा एक platform है, this institution produced the greatest leader in the history of Ansu and Apsu. हमारा Ansu का history में जितना भी Ansu का प्रसिद्ध निकला आज तक affection से निकला, यह हिस्ट्री गवाह है, सब जिंदा है। फॉर्मर था हमारा, सबसे पहले आपका Ansu को जो पैदा किया था वो था हमारा लेट देरानाथुंग। देरानाथुंग के बाद जितना आया जीएस से लेके जितना भी आया मात्र तमा भाषण से लेके अभी अवल तक जितना भी रहा अपेक्षु से ही रहा। हिस्ट्री है अपेक्षु का, अपन गुफा इनफो बिना प्रथम स्पीच दे के जीता है, जिसको उसने कंटेंडर में हराया, शायद अभी कैंडिडेट भी आ रहा होगा, अपन ने बिना स्पीच का हराया एंड ग्राम से लेते अपन एंड अनदर शॉट कम्स हियर आवर एम इनफो कंटिन्यू माना हम लोग वाइस प्रेसिडेंट Ansu प्रेजेंट है। आफ्टर दैट आप लोग को ग्रैंड सैल्यूट के बाद में, आप लोग को रेस्पेक्ट के बाद में आई इंट्रोड्यूस माय सेल्फ। आई लेजेंड यादव, आई मैट्रिकुलेट फ्रॉम सेप्पा एंड आई डिड माय ग्रेजुएशन फ्रॉम डीएन कॉलेज। आफ्टर दैट आई वेंट टू शिलोंग फॉर एलएलबी। आई गॉट एडमिशन इन शिलोंग इन फर्स्ट ईयर इन 2012। देयर इज कॉल्ड शिलोंग लॉ कॉलेज, गवर्नमेंट है नेहू, इट कम्स अंडर नेहू। आफ्टर दैट आफ्टर ईयर आई वेंट टू दिल्ली फॉर personal development. I took UPC coaching for 1 year. After coming up from Delhi, still I keep serving the student community. अभी तक 2010 में कॉलेज में डीएन में एजेस रहा, एजेस के बाद शिलोंग गया, शिलोंग के बाद मैं दिल्ली में एक साल रहा। 2010 से अभी तक मैं स्टूडेंट कम्युनिटी को सर्विंग किया। ये 14 साल में बहुत इलेक्शन आया Ansu का, Apsu का, Exu का, अपेक्षु का, हमेशा वेल विशर बन के रहा, हमेशा किसी का सपोर्टर बन के रहा, किसी का बॉडीगार्ड बन के रहा, किसी का दोस्त बन के रहा। आई नेवर क्लेम माय कैंडिडेचर बिकॉज़ आई हैव बीन ड्रीमिंग फॉर दिस पोजीशन, दिस मोमेंट। किसी के लिए ये Ansu इलेक्शन जो अपॉर्चुनिटी होगा, किसी के लिए ये Ansu इलेक्शन जो चांस होगा, बट फॉर मी दिस इज द गोल ऑफ माई लाइफ टू वर्क कंटेस्ट एज अ प्रेसिडेंट Ansu। आप लोग का जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगा, मैं वाइस प्रेसिडेंट Ansu में रहकर प्रेसिडेंट बनने का मेरा भी एक सपना था। तो मेरा सपना, मेरा खुजली हमेशा होता था Ansu प्रेसिडेंट हमको भी बनना है। तो मैंने 3 साल का जर्नी में, Ansu का जर्नी में मैंने भी कुछ इरादा बनाया, कुछ दोस्ती यारी किया, कहीं ना कहीं मैं हमने पहुंचा, अपना आवाज को बुलंद किया। लेकिन ये सही बात है कि मतलब जब वक्त और समय मंजूरी नहीं है तो आपका मंजूरी से कुछ नहीं होगा। ये लम्हा को देखते हुए हमने भी एक कैंडिडेशन का एक लिस्टेड में नाम आया, तो हमने अपेक्षु का हमारा जो जोनल का आपका 2006 और 9 का बीच में मैंने भी आईपीआर सेक्रेटरी को सर्विस किया था, आईपीआर सेक्रेटरी पोस्ट में वो करके। अभी जैसे कि आपका ग्यावेपुर में रोड नहीं था, सभा में रोड नहीं था, सिर्फ मेरा चैंगजो में रोड नहीं था, चैंगजो से फिर यंगो तक भी रोड नहीं था, एक ही पीएमजीएस भाई रोड था ये जो चैंगजो से लेके वो आए। लेकिन उस समय में हमने जो वो किया, जो जैसे कि आपका ग्यावेपुर में पैदल मार के, पीपू में पैदल मार के, नंपोलम बहुत मैंने वो है नंपोलम जो भी उस समय में हम लोग का वो था,
पैदल मार मार के हम जितना सकता था एक अवेयरनेस देता था, जैसे इविल प्रैक्टिस, चाइल्ड मैरिज, फोर्सफुली मैरिज, जो हमारा जो हमारा फॉर्मर जैसे कि इंस्पिरेशन, जैसे कि आउ आयंग का आयंग जो हमारा फॉर्मर अंशु प्रसिद्ध आउ अलर और ये अवशाफर लोग का, मैंने कहीं ना कहीं हम लोग बचपन में मालूम नहीं था अंशु आप चुको, लेकिन हम लोग जब टाइम गजे में ट्रक में आके रात को सुबह को चिल्लाता था दो रहे हो काउ मैंने दो रहे हो, जो वहाँ से हम लोग सुन के आके तो उसका लिगेसी को हम लोग ने जब थोड़ा वो हुआ तो एपेक्स में बैठ के उसको फिर हम लोग कंटिन्यू उसके लेगेसी को कैरी किया। अभी जो जब मैं एपेक्स में फर्स्ट टाइम जब वो करते समय में ऐसे मैंने ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन में बहुत चैलेंजिंग वो था और पीपू भी रोड कनेक्टिविटी नहीं था, तो जर्नी जो यहाँ पे जितना गर्व महसूस हुआ क्योंकि मेरा नाम भी इतना फेमस हो रहा है तो। इसलिए मोनिया चुम कहानी भी पंदना एक्चुअली हम तो कैंडिडेट नहीं था एंड मैं हर मीटिंग में बोलता हूँ हम तो स्टूडेंट प्लेटफॉर्म से मैं रिटायरमेंट ले लिया, लेकिन अनफॉर्चुनेट ये होता है कि जब भी इशू होता है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ अपेक्सो इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एक्सो कोई भी प्रकार का जब क्रिटिकल सिचुएशन आता है तो हमको हमेशा याद करता है, तो मैं भी मतलब खुशी खुशी हमेशा दौड़ के आता है क्योंकि मैं वही मेरा बदन में पूरा यूनियन का ही खून है। तो यहाँ में मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ, जब आपका एपेक्सो का बैनर में जब उन्होंने मीटिंग बुलाया 19 जुलाई में तो उसमें आपका 5-6 कैंडिडेट था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ से वो जो पिक एंड चूज करके एक टू को उन्होंने सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद मैं तो उसमें मैं ईटानगर में भी नहीं था, मैं तो कहीं जंगल में सो रहा था। तो बाद में जब मैं ईटानगर पहुँचा तो मैंने ये इसको मिला, भाई राम को मिला, उसके बाद उन्होंने मेरा पास आया, राम भगन ने आया, भाई दीदी ने आया, भाई गुंफा को नहीं मिला, रहीम को मिलने के लिए किया तो रहीम बोला कि मैं अंशु गैलरी का मैं चेयरमैन बनूंगा पकड़ बीजी का तला। इवन देन रहीम को भी वो प्रोग्राम को खत्म करने के बाद में तो हम लोग ने एक राउंड डिस्कस किया, ये चीज़ को क्लियरली जानना जरूरी है क्योंकि अपेक्स ने क्या किया क्या नहीं किया वो मेरा बाप में नहीं है, उनको आपका कैंडिडेट जो 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 क्लेम किया उन्होंने आप सबको पूरा बता दिया। तो हम लोग ने राउंड ऑफ मीटिंग बताया लेजेंड था कि मैंने पूछा अमित इसलिए किया था कि हम भी सोचा है कि मतलब एपेक्सो में बहुत सा साल से एपेक्स में रहा तो अभी कुछ कुछ यहाँ में हम लोग जो एक साथ एपेक्सो से खेला वाला और बहुत सारा है नीचे में दिखाई दे रहा है अभी 2006 से एपेक्सो में जुड़ा हुआ अभी मेरा वहाँ में प्रीतम बंगफी वहाँ बैठा हुआ है उसने हम लोग को एक सुंगर खिलाया था अभी भी याद है, उसके लिए एक प्लेट मार दीजिए ना तो क्या बोलता है उस वक्त से लेकर अभी तक सिस्टम को पूरा देखा है ये सीनियर लोग का छत्र छाया में रह के इतना मतलब ऑफिशियली देता है, इतना जब अंशु का सीजन आएगा अब अंशु का